तो जो डेंगू का असर है बस्ती पर भी देखने को मिल रहा है। ताजा आंकड़ों को अगर देखें तो अब तक डेंगू के 13 मरीज सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही फिलहाल 4 पुरुषों और 2 महिलाओं का डेंगू का इलाज चल रहा है और अब तक 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। हालांकि सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि फिलहाल जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में ब्लड की भारी कमी है। इसके साथ ही जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स और प्लाज्मा निकालने का भी कोई व्यवस्था जो है वो अलग से नहीं किया गया है। तो बस्ती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां जिला अस्पताल में ब्लड की कमी बताई जा रही है। इसके साथ ही इस अस्पताल में प्लेटलेट्स निकालने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। यानी कि अगर स्थिति भयावह होती है और मरीजों को प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है तो स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। तो बस्ती में अब तक 13 मरीज सामने आ चुके हैं जिसमें से 7 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसके साथ ही महज कुछ जो मरीज हैं उनका इलाज फिलहाल अभी चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए बस्ती में जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल नजर आ रही है। लेकिन जो गड़बड़ी है वो ये है कि ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं बताया जा रहा। इसके साथ ही जो ब्लड प्लेटलेट्स इलाज के लिए जरूरी है वो भी पर्याप्त मात्रा में। तो इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र बस्ती से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहला सवाल यह है कि अधिकारी जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो जिले में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है। इसके साथ ही ब्लड प्लेटलेट्स भी निकालने के लिए कोई खास व्यवस्था बस्ती में नहीं है, तो ऐसे में इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? सर देखिए, जैसा राहुल जी, यहाँ पर जो ब्लड बैंक है यहाँ पे केवल जो है 52 जो यूनिट ब्लड है, जिसके अंदर ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप ओ का जो है ज्यादातर है जी। और बात करें ब्लड ग्रुप, अन्य ब्लड ग्रुपों के वहाँ पे बेड नहीं है जी। और जिस दावे के लिए ये अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास प्लेटलेट्स हैं, ऐसे में जिला अस्पताल में ये व्यवस्था नहीं है कि ब्लड के अंदर से जो है वो प्लेटलेट्स निकाले जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी हमने जो है कैली अस्पताल का भी दौरा किया था, जहाँ पे देखा था, वहाँ के मरीजों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो है अब जो है यहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि पहले खून दीजिए तब हम उससे ब्लड निकाल के देंगे, आपको प्लेटलेट निकाल के देंगे तब उससे कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं इनके जो दावे हैं वो सिर्फ कागजी में है, हकीकत में दावे इनके अलग। धर्मेंद्र, हम आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रयागराज में एक केस सामने आया था जिसमें बताया गया था कि ब्लड प्लेटलेट्स में मौसमी का जूस मिलाकर मरीजों को दे दिया गया, जिसकी वजह से एक मरीज की जो है वो मौत हो जाती है। अब ऐसे में जब ब्लड प्लेटलेट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं है धर्मेंद्र, तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने फिर से वैसी स्थिति तो आ ही सकती है। ऐसे जो सिंडिकेट्स के लोग हैं वो तो ऐसे मौके की तलाश में ही रहते हैं। जी बिल्कुल राहुल जी, ऐसा हो रहा है बस्ती में। बस्ती में जो पूरी व्यवस्था है इस समय जो है प्राइवेट ब्लड बैंक के सहारे हो रही है जी। और सबके सब जो है आजकल जो इस समय जो चक्कर लगा रहे हैं वो प्राइवेट ब्लड बैंक में फोन करके जो है खून मंगा रहे हैं और उसके बाद तब उनका इलाज हो पा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यवस्था धराशायी है। आज जब सीएमओ से बात करने की कोशिश किया गया, कार्यालय पे भी गया तो संडे होने के कारण बंद निकला, लेकिन जब फोन पे बात किया गया तो उन्होंने जो है कभी एसआईसी को घुमाया तो एसआईसी ने एडिशनल सीएमओ को घुमाया। इस तरीके से धर्मेंद्र आप कह रहे हैं कि सीएमओ का दफ्तर जो है वो बंद था, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो नोटिस रिलीज किया गया उसमें ये जानकारी सामने रखी गई है कि जो मेडिकल स्टाफ है उनकी फिलहाल के लिए छुट्टी रद्द कर दी गई है। तो सीएमओ आखिर किस आधार पर फिर छुट्टी में है? इनके जो है जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती के हैं जी, अभी कुछ दिन पहले सीएमओ ने इनको नोटिस जारी किया है जी जी जी, कि ये जो है बाढ़ क्षेत्र में ना तो इनकी कोई टीम इन्होंने भेजी और ना ये खुद गए। ऐसे में कल जो है जब डीएम ने जो है मीटिंग किया तो मीटिंग में भी नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में जो सीएमओ के खिलाफ वो नोटिस जारी किया गया है कि कारण बताएं कि वो कहां थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पे छुट्टी रद्द की गई है। ऐसे में सीएमओ का भी और एसआईसी का भी और एडिशनल सीएमओ का भी, जितने भी हैं सारे सीएमओ का जो है कहीं ना कहीं से मतलब ना होना इस बात को। तो कुल मिला के धर्मेंद्र, ये समझा जाए कि जो बस्ती की हालत है, जैसे ब्लड की कमी है या फिर प्लेटलेट्स की जो परेशानी सामने आ रही है, उसके लिए सीएमओ और इस स्तर के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी जिम्मेदार हैं। हर तरीके से जिम्मेदार हैं। इनको कम से कम जब जान लेंगे डेंगू इस समय प्रकोप बढ़ रहा है तो ऐसे में प्लेटलेट्स और ब्लड की पूरी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। और ऐसे में मान लीजिए सर कि किसी अन्य ब्लड ग्रुप की आवश्यकता पड़ जाए तो हमारे जो बस्ती के ब्लड बैंक है उसके अंदर खून नहीं है, तो ऐसे में फिर जो है उन पेशेंट को बाजार के जो ब्लड बैंक है उनके सहारे रहना
उनकी मजबूरी है। बिल्कुल 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 धर्मेंद्र, लगातार जैसा कि हम देख रहे हैं कि लखनऊ में डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जो है वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों के साथ जो है वो मीटिंग करके जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे मजबूत किया जा सके। तो दूसरी तरफ ये अधिकारी है जो कहीं ना कहीं कोविड काल से भी सबक नहीं ले रहे हैं। पिछली बार कोविड काल में आपको याद होगा धर्मेंद्र, की देखा गया था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, अब कुछ ना कुछ यही स्थिति जो है ये लापरवाह अधिकारी जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब राज्य सरकार आपको तमाम तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा रही है, ब्लड उपलब्ध कराने की बात कर रही है, प्लेटलेट्स उपलब्ध कराने की बात कह रही है, तो इन लापरवाह अधिकारियों की वजह से कहीं ना कहीं तमाम आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ जाएगी, सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। राहुल जी, आज की बात बताएं, आज की जब आंकड़ों की बात की गई थी सीएमओ से, जी, तो सीएमओ ने हमको जो है पहले घुमाया कि नहीं, जनपद में कोई भी डेंगू मरीज नहीं है। जब इसकी पुष्टि के लिए हमारी टीम जो है कैली जिला मेडिकल कॉलेज गई, तो वहां मालूम चला कि 6-4 पुरुष और 2 महिला डेंगू पेशेंट भर्ती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार, जो इनके जो कर्मचारी हैं, सरकार के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वो बताते कुछ और है, हकीकत में होता कुछ और है। उनके अनुसार जिले में कोई डेंगू पेशेंट नहीं है। यानी कि धर्मेंद्र, जो उत्तर प्रदेश के अब तक के डेंगू के आंकड़े सामने आए हैं, वो भी तो अगर इनकी बात माने तो वो भी तो ऐसा हो सकता है कि वो आंकड़े भी परफेक्ट नहीं है। चिंताजनक है वो आंकड़े, चिंताजनक इसलिए है कि जब बस्ती जैसे एक जिले की बात करते हैं जहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहता है कि हमारे जिले में पेशेंट डेंगू पेशेंट नहीं है, और लेकिन हकीकत में जब जाके देखा गया तो मालूम चला कि 4 पुरुष और 2 महिला पेशेंट भर्ती हैं, जो एक 18 तारीख से, एक 20 तारीख से, कोई 17 तारीख से, कोई 15 तारीख से, इस तरीके से पेशेंट भर्ती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन आंकड़ों का विश्वसनीयता पे भी सवाल उठता है कि ये आंकड़े जो है अलग भी हो सकते हैं। ये आंकड़ा जो डेंगू पे जारी किया जा रहा है, ये आंकड़े जो है बढ़ सकते हैं और 100% सर बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, आप नजर बनाए रखिए और ग्राउंड जीरो से हम चाहें कि और विस्तार में आप इस पर रिपोर्टिंग करके हमें रिपोर्ट्स दे ताकि हम जो है ये बातें सरकार तक पहुंचा सके, क्योंकि लगातार जो सरकार है वो डेंगू को लेकर हाई अलर्ट मोड पर नजर चल रही है। खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हाई अलर्ट पर नजर आ रहे हैं, खुद मीटिंग्स कर रहे हैं, छुट्टियां जो मेडिकल स्टाफ की है वो रद्द कर दी गई हैं, लेकिन इस तरह के जो लापरवाह अधिकारी है वो पूरे जो सिस्टम है, पूरा जो प्रक्रिया है उसे धराशायी करने में लगे हुए हैं। शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के।